हिमाचल में माँ दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण गंगा नदी की मिट्टी से किया जाता है। मूर्ति बनाने वाले कलाकार अपने साथ ही पश्चिमी बंगाल से मिट्टी लाते हैं और यहाँ आकर मूर्तियाँ बनाते हैं। राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में माँ की मूर्तियाँ बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बीते करीब 50 वर्ष से मूर्तियों को बनाने की परंपरा है और दशहरे के दिन इन मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। इस दिन बंगाली मूल की महिलाओं सहित स्थानीय महिलाएं सिंदूर की होली खेलती हैं। माता की पूजा करने की यह परंपरा पश्चिम बंगाल में बहुत प्रचलित है, जिसे शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में भी धूमधाम से मनाया जाता है। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि मूर्तियों के बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। इन मूर्तियों को बंगाल से आए कलाकार बनाते हैं, वे गंगा की मिट्टी भी साथ लेकर आते हैं। शिमला के तारा देवी के ITBP तालाब में माता की मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। क्या बोले कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती, सुने विस्तार से। मेरा नाम है जो मुक्ति चक्रवर्ती, असिस्टेंट प्रिंस शिमला कालीबाड़ी। जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि आज सप्तमी लग चुके हैं, पंचांग के हिसाब से सप्तमी है। आज सप्तमी की पूजा जो है उससे पहले षष्ठी जी की पूजा हो चुकी है। सप्तमी त्यौहार चल रहे हैं लेकिन षष्ठी की पूजा जो सप्तमी पूजा शाम को होंगे। जो कारीगर की बात कर रहे हैं, कारीगर जो है कलकत्ता से हर साल आते हैं, मतलब दीर्घ 30-35 सालों से कलकत्ता से आते हैं। आते समय अपना मिट्टी भी वहाँ से ट्रेन के द्वारा कैरी करके ले आते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी थोड़ा सा खुदरीला टाइप होता है, मतलब प्लेन नहीं होता, मसृण नहीं होता। जिस हिसाब से सुचारू रूप से काम करना चाहिए उस हिसाब से मिट्टी मिलता नहीं है, मिलते भी होते उनको पता नहीं है, इसलिए वो साथ गंगा मिट्टी लेके आते हैं। उसके द्वारा वो मूर्ति स्थापना करते हैं, तैयार करते हैं। यहाँ के शिमला के साथ साथ हिमाचल के 4-5 जगह पे भी वो जाते हैं। और मूर्ति स्थापना जो है पंचांग के हिसाब से 2:26 के अंदर अंदर मूर्ति स्थापना होगी। देखिए 12 तारीख को, 11 तारीख सप्तमी, अष्टमी और नवमी के पूजा एक ही साथ होगी। सप्तमी अष्टमी पूजा के बाद ही नवमी पूजा शुरू होगी, इसलिए 12 तारीख को ही तारा देवी ITBP के तालाब में माता की विसर्जन होगी। पश्चिम बंगाल से मां दुर्गा की मूर्ति तैयार करने के लिए पहुंचे दीपू कलाकार ने बताया कि उनका पूरा गांव मूर्ति बनाने का काम करता है। उनके पिता बीते करीब 35 साल से कालीबाड़ी मां के साथ हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तियां बनाने के लिए आते हैं। मेरा नाम है दीपू चित्रकर, हम लोग आए कलकत्ता साइड से। पापा आ रही है 35 सालों से, मैं आ रहा हूँ पापा के साथ, मैं भी आ रहा हूँ काम करने के लिए। तो यहाँ पे 2-3 जगह में हम लोग मूर्ति का काम करते हैं, और जैसे हो गया कांगड़ा, बिलासपुर, पालमपुर और भट्टू और शिमला कालीबाड़ी। तो हम लोग हर साल ही आते हैं, पहले से लोगों से कंटक वंटक होके फिर हम लोग हर साल ही आते हैं। ये मूर्तियों का काम है, ये कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हम लोगों का गाँव में सभी ये मूर्ति का ही काम वाम करते हैं। हम लोग बचपन से देखते हुए मूर्ति का काम देखते देखते ही बड़ा हुए है। गाँव में यही मूर्ति का काम ही चलता है, तो पापा के साथ रहता हूँ, पापा के साथ से थोड़ा थोड़ा करके हम भी सीख रहे हैं मूर्ति का काम। कालीबाड़ी में दुर्गा माता का मूर्ति बना है, दुर्गा माता के साथ लक्ष्मी है, सरस्वती है, गणेश है, कार्तिक है। तो हम लोगों को मूर्ति बनाने में कम से कम 18 दिन ऐसा लग जाती है। पूरा रोज ही काम करो तो 18 दिन में तैयार हो जाती है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।